Darling, you send me love. Darling, you. Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z. I'm back again with a new video, baby. Happy birthday. Happy birthday. रात में क्या हुआ मालूम? नहीं मालूम। कल रात में क्या हुआ नहीं मालूम? नहीं मालूम रे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोल रहे रे? अरे अरे बोल के जा रहे भाई। अरे क्या हुआ होगा रे भाई? अरे अरे मामा बोलता आ रहे। अरे नबेल। अरे मामा नहीं पता मैं कितने दिनों के। सो गाइस मैं भी तुम लोग अपने एक फैमिली मेंबर से मिलाऊंगा जो कि बहुत ही बड़ा कमीना है। आई मीन वो मेरे अलावा सबको काटता है, मुझे भी काटता है। वो इंसान नहीं, वो मेरा पेट है और वो मेरे साथ रहता है 24/7 इस घर में। तो फिलहाल मैं लोगों से मिलाऊंगा, उसका नाम है मियाँ। एंड मियाँ बहुत ही, आई मीन मैंने बोला अभी, बहुत ही कमीना है। सो वो सबको भाव नहीं रहता। तो गाइज ये है मियाँ। मियाँ एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट है एंड ये बोलता है, बट इसका मूड रहेगा तब ये बोलता है। मियाँ हेलो। इसका मूड होगा गाइस तब ये बोलता है, वरना नहीं बोलता है। इसका मूड होगा तब ये काटेगा। फिलहाल तो ये थोड़ा बहुत ट्रेंड है, आई मीन मेरे से। मिया गुड बॉय, टेक हेलो, मत खा। ओके सो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने टिकटॉक के ऊपर एक छोटा सा व्लॉग करूंगा एंड इसके अंदर मैं बहुत लोगों के क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आता है वो ये है कि मैं अपने टिकटॉक पर ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं हूँ और अपने यूट्यूब पर। तो गाइस देखो, हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा बड़ा, दो यूट्यूब चैनल है और मेरा एक स्ट्रॉन्ग स्नैपचैट है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम है और मेरा एक म्यूजिकल ही है। एंड इसके अलावा मेरी बहुत सारी ब्रांड डील्स चल रही है, जिसके सबको पता है मैं एक प्राइम इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी बहुत सारी ब्रांड डील्स चल रही है एंड उसके अलावा इंडस्ट्री के भी थोड़ा बहुत काम रहते हैं, जो दूर मुझे ऑडिशंस के लिए यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। तो मैं वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के भी अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं तुम लोगों को बेस्ट से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। एंड गाइस मुझे सारी चीज़ तुम लोगों की वजह से मिली है, तो मैं हो सके उतना ट्राई करता हूँ गाइज। मैं मेरे से जो हो सके, मैं जितना हाथ पर मार के कर सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। एंड वही आज ही छोटा सा एक ब्लॉग है, अभी से कंटिन्यू करते हैं। सो वही ओके। सो गाइज फिलहाल मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मैं कुछ बोलने लायक नहीं डूड, बिकॉज सलमान खान मेरे आँख के सामने कर रहे थे डूड। मैं अपना फ़ोन निकालना भी समझ में नहीं आता कि मैं फ़ोन निकालू या मैं क्या बोलूँ डूड, बिकॉज मेरे आँख के सामने थे। फास्ट हो गया Dude, समझ में नहीं आ रहा है डूड। आई मीन I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. बेटा जी जी, आपको खुजली हो रही है जी? आपको कैसे पता चला? तो अपनी खुजाएगी ना, हमारी क्यों खुजा रहे? हाँ, वो ही मैं सोचूं, साला कोई रिलीफ ही नहीं। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है, मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा।